करना चाहता हूँ, और वो आर्मी से ही मिलिट्री से ही संबंधित है। मैं जब इंदौर के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा था तो NCC नेशनल कैडेट कोर वो मैंने खुद ने ज्वाइन की थी, और उसमें बी सर्टिफिकेट की परीक्षा होती है, फिर सी बी भी कठिन है और सी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सर्टिफिकेट की परीक्षा भी पास कर ली। नेफा में कैंप जा रहा चाइना बॉर्डर, जब भारत और चीन की सीमा क्योंकि 62 में हमारी लड़ाई हुई थी मैकमोहन लाइन के पास में, मैंने उसमें जाने के लिए फॉर्म भर दिया। अब जिस दिन कैंप जा रहा था तो आर्मी में कितनी ड्रेस होती है, सारे इक्विपमेंट, वो सब इशू कराना, और उस समय टेलीफोन थे नहीं, मोबाइल नहीं था। मैं अंदाज से गया इंदौर की, पता नहीं कैंप किस तारीख को जा रहा है, और मालूम पड़ा कि 10 मिनट बचे ट्रेन छूटने में। इंदौर से खंडवा गाड़ी जाएगी और खंडवा से फिर गुवाहाटी के लिए, कलकत्ता गुवाहाटी के लिए गाड़ी पकड़ना है। अब 10 मिनट बचे और सारे इक्विपमेंट भी इशू कर रहा। मेरठ ही कॉलोनी में 9 MP बटालियन का ऑफिस था, अब क्या करूं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां चाह वहां राह। मैंने एक लड़के को भेजा कि भैया मैं 9 MP बटालियन के ऑफिस से अपने ड्रेस वगैरह अब वो सारा सामान लंबी सूची ये लेकर के आ रहा हूँ, और मैं आऊँ जब तक रेल बढ़ना नहीं चाहिए। और नौजवान ने कहा कि ट्रेन किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी, आप तो सामान लेके आओ। अब करीब 1 घंटा लग गया, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हमारे जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने कहा कि मिस्टर तेज सिंह सैंधव यू आर वेरी लकी। तेज सिंह सैंधव तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने कहा सर कैसे? अरे भाई ये चेन पुलिंग के कारण तुमको गाड़ी मिल गई, नहीं तो मिलती नहीं। उनको ये कल्पना नहीं थी कि उस समय जब सिर्फ देवास में बिजली हाट पिपलिया बागली और गाँव का तो सवाल नहीं उठता, तो उनको बाद में आश्चर्य हुआ कि जिन गाँव में बिजली नहीं है वहाँ के एक लड़के ने मैनेज करके रेल को आगे नहीं बढ़ने दी, तो बंद हो चूंकि उद्देश्य अच्छा था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपका यदि मकसद अच्छा है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। और बंधुओं मेरी तो इच्छा थी आर्मी में जाने की, और चाइना बॉर्डर पे वो सब कुछ सीखा, क्योंकि अब तो आधुनिक हथियार बहुत आ गए हैं, अब आर्मी में इंसास आ गई, लेकिन लाइट मशीन गन, ब्राउनिंग मशीन गन, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, इनकी सब की हमने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग ऐसी ली कि यदि आज भी मौका है तो हम चाइना बॉर्डर पर जा सकते हैं। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी में कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने जैसे कहा कि आर्मी में जाने की इच्छा थी, लेकिन ये दूसरे विभाग में आ गए साहब,
ध्यान रखना था वोट देना करेंगे। अब ये भी भैया आप कह रहे ये भी देश की सेवा है, तो खैर ये कुछ अलग है। आप काफ़ी देर से बैठे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इतने साल के बाद में भी जो वेपन्स हमने जिनकी ट्रेनिंग ली वो आज भी चलाना भी याद है और उनकी नत्री भी याद है। मैंने अभी जैसा बताया आपको SLR के बारे में, तो यदि आप अपना माइंड अप्लाई करके सीखेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं आपको इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भैया भूपेंद्र से और जो आर्मी से जुड़े हुए हमारे नौजवान हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि समय समय पर ऐसे कैंप आयोजित करते रहे ताकि हमारे नौजवान जिनको मालूम नहीं कि हमारी ताकत क्या है, उन नौजवानों को आप यदि अपनी ताकत बताएंगे तो वो आज का हिंदुस्तान का नौजवान हमारे दुश्मनों को सीमा पर धूल चटाने की भी ताकत रखता है। और ऐसे नौजवानों को आप भेजें। इन्हीं शब्दों के माध्यम मैं बात अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया।